35 बच्चे हैं और उसमें सिर्फ गल्ला आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। अयूब भाई गल्ला देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे। एक कुंटल भी आ जाता है, डेढ़ कुंटल भी आ जाता है महीने का, उसी में से अपनी तनख्वाह निकालता हूँ मैं। बच्चों को भी नहीं खिलाता हूँ, उसी में से तनख्वाह निकालता हूँ। नहीं देते खाना। और आपका खाना कैसे देता? अब आपको आगे से तनख्वाह आती तो फिर उनको खाना भी देता, और उसी में से ही तनख्वाह निकाल रहा हूँ अपनी। 35 बच्चे, एक से डेढ़ तक, एक कुंटल से डेढ़ कुंटल तक बेच देते हैं। बेच के तनख्वाह निकालते हैं। और बच्चों को नहीं देते? और नहीं देते कुछ भी, वो वहीं से ही देते हैं। वो बुलाते हैं मुझे, राशन वही ले जाते हैं उसमें, वहाँ से चढ़वा कर मुझे बुलाते हैं, मुझे दे देते हैं राशन। अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो कहाँ चल रहा है? इस गांव में तो चल ही नहीं रहा, यहाँ पे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। देखा ही नहीं हमने, कैसा कैसा नहीं, देखा ही नहीं अयूब भाई कैसा है। मंदरसा नहीं, यहाँ तो नहीं चल रहा, और कहीं पे चल रहा होगा? कागजों में चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा। आप क्या नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, कोई मदरसा नहीं चल रहा। अभी मौलाना साहब ने बताया था कि बरकतुल्ला नाम का कोई मदरसा है जो नयापुरा का नाम ले रहे हैं, उसका जो निगरानी करता है वो अय्यूब भाई हैं जो सोपुर रहते हैं। वो करीब एक से डेढ़ कुंटल अनाज भेजते हैं और कुछ नहीं। बच्चों के लिए तेल साबुन जो भी कुछ आता होगा वो वही रखते हैं। एक मास्टर है, मास्टर समझ लो या मौलाना समझ लो। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।